हेलो दोस्तों, आज के हमारे एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ कंप्यूटर रिडल्स। और यहाँ पे मैं हर संडे कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस, कोडिंग या फिर रिडल्स सॉल्व करने के लिए आता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा कोई रिडल्स है, चैलेंजेस है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग रिडल्स या फिर चैलेंजेस, कोडिंग चैलेंजेस, कुछ भी। और नेक्स्ट वीक में हाजिर रहूँगा आपके लिए उस सारे रिडल्स को सॉल्व करने के लिए। मैं प्रॉमिस करूँगा कि यार आई विल बी हॉनेस्ट और मैं सॉल्व करके दिखाऊँगा उसी दिन, ठीक है। और मैं यहाँ पे चीटिंग बिल्कुल नहीं करूँगा, गूगल बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मुझे कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं है, सिर्फ तभी मैं गूगल करूँगा, ओके। तो यू कैन ट्रस्ट मी। और आज के इस रिडल के लिए मैं मुझे कुछ रिडल्स नहीं मिले, तो यहाँ पे मैं इंटरनेट पे मैंने सर्च किया रिडल्स के रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस रिडल्स के रिलेटेड। तो मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट मिला जिसका नाम है proprofsgames.com, ओके। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब इस रिडल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा और देखते हैं क्या इनके रिडल्स कितने अच्छे हैं और क्या हम यहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे 5 रिडल्स हैं और देखते हैं कि यार हम इसको कितना सॉल्व कर सकते हैं। आप इन रिडल्स का जो आंसर है वो कमेंट में भी दे सकते हैं, अगर आपको पता नहीं, अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे, आपको फर्स्ट टाइम देखना है और तुरंत आंसर देना है, नो चीटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यार कितने हम सॉल्व कर पाते हैं, ओके। सो ये आ चुके हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जस्ट इग्नोर द टाइमर। यहाँ पे हम टाइमर से कोई रिलेटेड, मतलब कि टाइमर से मतलब ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड ओनली रिडल्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, आई कैन राइट विदाउट अ पेन, विदाउट द नंबर 10, व्हाट आई एम? विदाउट अ पेन, विदाउट अ नंबर 10, कीबोर्ड विदाउट नंबर 10 लिख सकता है क्या? विदाउट नंबर 10 कुछ कोई कुछ लिख सकता है? आई कैन राइट विदाउट अ पेन, विदाउट द नंबर 10, व्हाट आई एम? आई कैन राइट विदाउट अ पेन, पेंसिल, आई नो, आई डोंट थिंक सो, इट्स पेंसिल। आई कैन राइट विदाउट अ पेन, विदाउट द नंबर 10, व्हाट आई एम? विदाउट अ पेन, विदाउट द नंबर 10, कीबोर्ड, I am going with keyboard. Let's see the answer. Click here to see the answer. Okay. A keyboard, yeah. मुझे पता था ये keyboard है, क्योंकि यार without a pen and a computer student can write only with keyboard. Yes. Next question. अगर आपको भी keyboard answer पता था, then congrats. We have cracked the riddle. Next. I have a tail and 2 flat ear. I move with no feet. I have a tail and 2 flat ears. I move with no feet. I have a tail. Oh, mouse. क्योंकि यार कंप्यूटर में क्या यूज कर सकते हैं, माउस, ओके। आई स्वेयर यार मैंने रिडल्स पहले नहीं देखे हैं, आई डोंट नो हाउ आई एम गेटिंग द आंसर। लाइक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को आराम से मिल जाना चाहिए यार आंसर्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स या फिर कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, तो यार मे बी यू विल फाइंड डिफिकल्ट, बट फॉर मी इट वॉज ईजी। लाइक something you can move in computer is only a mouse, right? You can't take a monitor and move it. So let me see what the answer is. Yeah, a mouse. I promise, I have never seen this riddle. This is my first time watching it, okay? You can really test me. Aap mujhe test kar sakte. Seriously, you can trust me. Next thing, let's see, what is it? A box to anywhere, just watch for my glare. Glare ka matlab kya hota hai? What's the meaning of a glare? Okay, I have got my phone. I am just searching what's the meaning of a glare. Mera English thoda bad hai. Matlab English meaning thoda bad hai, English bad nahi, okay? I am just searching for the glare. If you want, you can see. I just don't know the meaning of glare, okay? Agar don't judge me, okay, about this. So, G-L-A-R-E, glare. Glare meaning. Stare in an angry or fiercer way, fiercer way. Shine with a strong of blazing light, glare. See, आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ glare सर्च किया है, okay? If you can't see, you can see. See, only glare. I search the meaning, okay? So it's something related to light, I guess.
ए बॉक्स टू एनी वेयर. बॉक्स स्क्रीन. आई होपफुली इट्स अ स्क्रीन. अ बॉक्स टू एनी वेयर. जस्ट वॉच फॉर माई ग्लेयर. होपफुली इट्स अ स्क्रीन. ओ मॉनिटर. या स्क्रीन मतलब कि मॉनिटर ही होता है ना. लाइक इनडायरेक्टली इट्स मॉनिटर. आई गेस 50% तो मार्क्स मिल सकता है इसके लिए. ओके. इफ़ यू हैव गेस दिस मॉनिटर देन कॉन्ग्रेट्स इज द आंसर. आई थिंक आई हैव गेस द रॉन्ग थिंग बट 50% इज करेक्ट भाई. मॉनिटर का क्या होता है? स्क्रीन होता है. ओके. एंड इज द रिलेटेड समथिंग लाइट. ओके. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट रिडल एंड लेट्स सी वॉट इट इज. आई मूव स्लोअर दैन मोलासेस. If you use me, you probably wear glasses. I move slower than molasses. Slower than molasses. A computer में slow क्या चल सकता है भाई? Slow. Like slow बात सुन के मुझे एक चीज याद आती है. ओके. आई होप आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर इट और नॉट. लाइक मैंने बहुत सारे मीम्स भी देखे उसके रिलेटेड. आई गेस it is internet explorer. okay, because it is the most slowest thing I have ever used in my computer life. okay, matlab yaar maine bahut sare program use kiya hai. maine bahut sare laptops ho gaye, mobiles ho gaye, maine use kiya hai. lekin the most slowest thing I have faced till now is internet explorer. and if even you have faced the most slowest thing is internet explorer, then hit the like button. okay, and I don't know if this is correct or not. I literally, this is my first time watching this question, I promise you. okay, so let's see what the answer is. I have just guessed it because of the slower thing. okay, because yaar computer mein sabse slowest jo hai wo internet explorer. aaj tak maine jo face kiya hai wo sirf internet explorer hai. okay, and if you are a computer science student, if you are technophile, and if you are interested in computers, even you know that the most slowest thing or a software anything is internet explorer. yeah I can't believe this. I literally can't believe this. okay, so the most slowest thing is internet explorer. it is proved even by the riddle. so internet explorer, you need to grow up bro. you need to grow up. okay, so this is the last question of this video. मेक श्योर कि यार आप रिडिल पोस्ट करें हमारे कमेंट में और इंस्टाग्राम में भी. इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यार चैनल के में सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़रूरी है. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब. प्लीज़ हेल्प. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. ओके. 25 ईयर ओल्ड बट ओनली टर्न्ड 8. 25 ईयर्स ओल्ड बट ओनली टर्न्ड 8. फेब्रवरी 29 है क्या? 25 फिर फेब्रवरी 29. वेट अ सेकंड. इफ वी डिवाइड 25 मतलब कितने बार भाई? 25 में कितने लीप ईयर्स आते हैं? डिवाइड बाय 4. नो नॉट डिवाइड बाय 4. आई गेस इज डिवाइड बाय 16 और इट्स 4. लाइक 24 मतलब यार कितने हैं? 4 ईयर्स में आते हैं ना लीप ईयर्स. यार 4 ईयर्स में आते हैं ना. तो so every 4 years leap year comes, so 25 divided by 4 is nothing but how much it is? 4 6 are 24. No, it's not leap year. sorry, it's not February 19. 25 years old but only turned 8. 25 years old but only turned 8. only turned 8. One eternity later. Okay, I'm going with leap year, भाई आप जितना दिमाग काम नहीं कर सकता. Sorry, not leap year. I'm going with February 29. Let's see. Windows. 25 years old, but only. Oh shit. Okay, so this refers to version of the window. Okay, because यार after 25 years of Windows established, we have got the Windows 8. आई गेस दिस इज समथिंग लाइक जो रिडेल है ये 2018 में शायद लिखा गया था. 18 या फिर 19 में आया था विंडोज 8 पता नहीं यार. लेकिन आई गेस दिस इज द इट्स रिफरिंग जस्ट टू विंडोज वर्जन. ओके. लाइक 25 साल हो गए और इट्स टर्न ओनली 8 मतलब क्या 25 साल बाद विंडो हैव डेवलप्ड एंड इट हैज़ गॉट विंडोज 8 वर्जन 8. ओके. एंड आई गेस दिस आई हैव मिस्ड टू रिडल्स हियर. ओके. फर्स्ट जो होगा वो स्क्रीन. इफ इट्स स्क्रीन जो है 50% यू कैन just manage it. so I deserve 4.5 points out of 5. and if you have got 5 out of 5 then congrats, you are the most smartest, smarter than me.
एंड आई गेस मोस्ट ऑफ देम आर स्मार्टर देन मी. मैं अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट नहीं मानता. तो आई होपफुली हैव हैड फन, मतलब कि मज़ा आया होगा इन सब रिडल्स को सॉल्व करने में. एंड एक और बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रिडल्स हैं देन प्लीज 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 पुट इन द कमेंट्स, सॉरी पुट इट इन द कमेंट्स. एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कमेंटिंग देन यू कैन जस्ट डीएम मी इन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी एंड आई विल बी पोस्टिंग सम ऑफ माई थॉट्स एंड वीडियोज इन इंस्टाग्राम टू. तो ये था आज के वीडियो के बारे में. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलता हूँ आप सबसे अगले वीक कुछ इस तरह ही रिडल्स चैलेंजेस को लेके. तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग.